की गई बुजुर्ग की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना दन्नाहार क्षेत्र के नगला हरी सिंह का है। यहाँ बीती 25 दिसम्बर को 85 वर्षीय लल्लू सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक की पुत्री द्वारा हत्या का आरोप लगाते हुए सबका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने निकल कर आया था, जिसके बाद मृतक की पुत्री द्वारा थाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर नगला हरी सिंह में कोई बुजुर्ग की हत्या के मुकदमे से संबंधित नामजद अभियुक्त अपने घर पर अपना सामान बांधकर कहीं भागने की फिराक में था, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त कमलेश पुत्र सोनेलाल, चंद प्रकाश पुत्र सोनेलाल, भजन लाल पुत्र लालाराम समस्त निवासी ग्राम नगला हरी सिंह के मकान से गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कल्लू सिंह उनके चाचा थे। उनके कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी देव कुमारी, जिसकी शादी करीब 30 साल पहले कर दी थी। चाचा ने अपनी जमीन में से करीब 5 बीघा जमीन का बैनामा आज से करीब 18 साल पहले ही लड़की देव कुमारी के नाम कर दिया था। चाचा भतीजे के पास ही रहते थे। चाचा कल्लू सिंह ने अपनी जमीन का दिनांक 28 नवंबर को अपनी भतीजी के नाम कर दिया था, जिसका विरोध किया गया था। इनका आपस में झगड़ा भी हुआ था। चचेरी बहन ने धमकी भी दी थी कि वह उस पे केस करा देगी। इसी डर से तीनों ने मिलकर विचार विमर्श किया और अधिक उम्र के कारण कोई शक भी नहीं करेगा। इसी के चलते बीती 25 दिसंबर को बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर मार दिया गया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है।